नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामबर्ड में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग BE BTech से अगर आप जो है इंजीनियरिंग किए होंगे तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो है नागो के द्वारा यहाँ पे बहुत ही शानदार अवसर आपको जो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए आपको जो वैकेंसी आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आज जो है नागो के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आज आपको यहाँ पे नालको के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताया कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वायरमेंट अप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए आपको जो पहले जो वैकेंसी आपको निकाली गई थी ट्रेनिंग के लिए, तो किसी कारणवश जो है लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो है इसका जो डेट आपको था लास्ट डेट उसको जो है स्थगित कर दी गई थी। तो नालको के द्वारा यहाँ पे फिर से जो है आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो लास्ट डेट आपको रखी गई है 15/6/2020 तक जो है आपको एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर आप जो है इच्छुक हैं नालको में अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है इसके लिए आवेदन करके जो है 15/6/2020 से पहले जो है आवेदन करके जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि कितने सारे पोस्ट आपको जो है निकाले गए थे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट आपको यहाँ पे क्या रखी गई थी नालको के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपको बताएगी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि नालको की तरफ से यहाँ पे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आपको निकाली गई थी, तो अगर आप जो है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे जो ली जा रही थी, आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको अप्लीकेशन फ़ी ली जा रही थी। अगर तो आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से आते थे तो उसके लिए आपको जो है 500 अप्लीकेशन फ़ी आपको ली जा रही थी, एंड अगर आप जो है अदर कैटेगरी से आते थे उसके लिए जो है 100 रुपीज़ आपको अप्लीकेशन फ़ी आपको ली जा रही थी। तो आप इस अप्लीकेशन फ़ी को कैसे पे कर सकते हैं, तो आप जो है क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, तो आप जो है ऑनलाइन मोड से जो है इसका अप्लीकेशन फ़ी को आप पे कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे जो पहले आपको रखी गई थी, तो यहाँ पे आपको जो ये डेट आपको पहले आपको रखी गई थी, लेकिन जो है COVID-19 के लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो है आपका इसका ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट आपको यहाँ पे अगेन आपको एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो लास्ट डेट आपको एक्सटेंड करके यहाँ पे जो रखी गई है 15/6/2020 आपको यहाँ पे रखी गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में अगर आप जो है आवेदन करने के लिए, तो 15/6/2020 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो आपको मैक्सिमम जो आपको एज लिमिट आपको रखी गई है यहाँ पे 30 ईयर्स आपको यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम आपको रखी गई है। तो अगर आप जो एज में अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो किस कैटेगरी के अनुसार आते हैं, तो कैटेगरी के अनुसार जो है आपको एज में आपको यहाँ पे आरक्षण आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देखें तो आपका क्वालिफिकेशंस आपको जो बोलेगी कि फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप जो है BE BTech अगर कर रखे होंगे तब भी जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 65% यहाँ पे जो बोला गया है फॉर UR एंड OBC कैटेगरी के लिए, तो अगर आप जो है BE BTech में अगर 65% लाए होंगे OBC कैटेगरी या फिर जनरल वालों, तब भी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे SC ST की या फिर PWD कैटेगरी से आते होंगे उसके लिए आपको जो है 55% से अगर आप जो है BE BTech अगर आप क्वालिफाई होंगे तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वैकेंसी डिटेल में देखें तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट की आपका इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आपको पोस्ट यहाँ पे बोली गई है, जिसमें जो टोटल सीटें आपको रखी गई थी आपको 120 यहाँ पे टोटल सीटें आपको यहाँ पे रखी गई थी। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप इच्छुक हैं इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए, अगर आप जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग में अगर आप जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो इसमें जाकर जो है आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,